हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सेक ऐसे गुजरात में आपका स्वागत है। आज हम चाचरिया गांव में आए हैं जहां सूचक बोर्ड लगा हुआ है। देखिए हम सांप का रेस्क्यू करने अंदर जा रहे हैं सिम विस्तार के अंदर। हेलो दोस्तों, महमूद खान का आपको नमस्कार। आज हम महसाणा जिला के वडनगर तालुके के उपेरा चाचरिया पास उपेरा रोड पर रोड टच एक रहा मकान के अंदर हम रात को लगभग 8:30 का टाइम है और ये पब्लिक सब इकट्ठा हुई है और घर के अंदर एक बहन काम कर रहे थे और नाग नागिन दो अंदर आ गए हैं और नाग ने नागिन को पूरा निकल दिया है ऐसा बोल रहे थे। देखते हैं जो भी होगा उसको हम सही सलामत पकड़ेंगे और सही सलामत इस डब्बों के अंदर दोनों को पूरेंगे और कुदरती वातावरण के अंदर जहां इंसान को इसको मारे नहीं ऐसे जंगल विस्तार में इसको हम रिलीज कर देंगे। दोस्तों, सांप पकड़ने से खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि सांप पकड़ना मना है लेकिन हम सांपों को रेठार विस्तार पकड़ कर जंगल विस्तार में छोड़ देते हैं। अगर किसी के घर में दर में कुएं में कहीं भी सांप आता है तो हमारा नंबर है 94263309 पर कॉल कीजिए, हम आएंगे सांप को पकड़ेंगे। आज की तारीख में हमने लगभग एक सुबह पालड़ी से पकड़ा, दूसरा तारंगा केसरपुरा से पकड़ा, एक डावल से अभी पकड़ के बाइक के अंदर से हमने निकाला और एक सांप खेरालू से पकड़ा और पांचवा सांप हम इधर पांचवा छठा सांप हम इस चाचरिया गांव के अंदर आए हुए हैं एक रहना पड़े के अंदर। देखिए हम सांप का रेस्क्यू करने जाते हैं और पकड़ कर हम उसको बाहर लाते हैं। एक सांप है, घर मालिक बोल रहे थे दो सांप है लेकिन सांप बड़ा सांप छोटे सांप को निकल गया है। हमने अभी भी देखा भारत का स्पेक्टेकल कोबरा है और खतरे वाला सांप है, पकड़ने के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। दोस्तों देखिए हम इसका रेस्क्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। सांप ने निकल गई नागिन को बाहर निकाला है। देखिए दोस्तों, और बहुत खतरनाक कोबरा सांप है ये, ऐसे सांपों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे रहना मकानों में आ जाते हैं, नागिन को मौत के घाट उतार दी है। चलो हम इसको पहले अंदर फूट देते हैं। लगभग 7 फुट लंबा कोबरा जाति का सांप है। दोस्तों, अगर किसी को सांप काटता है तो कोई जंतर मंतर में विश्वास करना नहीं, दर्दी को हॉस्पिटल रवाना करना, हॉस्पिटल जाने से दर्दी की जान बच सकती है। दोस्तों ये महाकाय सांप है, लगभग 7 फुट लंबा, हमने इसको खबर पड़ा है, सही सलामत पकड़ लिया है। दोस्तों हमारे जैसे किसी के नकल करना नहीं वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। ये लगभग हमने महसाणा जिला के खेलर तालुके चाचरिया गाँव से उपेरा रो पर से हमने दोस्तों हम सारा दिन सांप पकड़ते, आज हमारे 7वां सांप है और हमारा हाथ भी देखो यहाँ पूंछ पकड़ने से इतना खराब हो जाता है, फिर काटेगा तो इंसान का बहुत खतरा भी, खतरे वाला सांप है।
दोस्तों अगर किसी घर सांप आता है तो हमारा नंबर है 94 63 9। अब पर हमें कॉल कीजिए, हम आएंगे, सांप को पकड़ेंगे। अभी अभी रात के टाइम पर हमने इस महाकाय कोबरा सांप जो बरनी के अंदर कह दिया और सामने नागिन को मौत के घाट उतारी है, देखने सामने लिया। दोस्तों सांप पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन हम हमारी जिगर से हम सांप पकड़ते हैं और सही सलामत सांपों की जान बचाते हैं। दोस्तों हमारी जान की परवाह करें बिना हमने लाखों की तादाद में सांप पकड़ते हैं। परसों हमने 12 सांप का रेस्क्यू किया था और आज हमारा 7वां सांप है। अभी 2 कॉल बाकी है, एक उमरी और अशोकगढ़ के अंदर हम अभी जाने वाले हैं, लेकिन हम अब बाइक चला चला के थक गए हैं, हम इको गाड़ी लेके जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हमने कोबरा सांप को तो पकड़ लिया है, बरनी में कद कर दिया है, लेकिन नागिन को हम बचा नहीं पाए, इसको मौत के घाट उतार दिया है। और इसको हम सामने भाई रहना मकान वाले अंडा गोद रहे हैं। ये खड्डा खोद रहे हैं और हम इस नागिन को इसके अंदर दफन कर देंगे। दोस्तों हमने इस नमक को पहले खाड़े में थोड़ा डाल देते हैं और जूतों को तो पकड़ी जाता। दोस्तों हमें खेद है कि हम इस नागिन को बचा नहीं पाए, लेकिन नाग को तो हमने बचा लिया है और इसको हम ये घर मालिक वाले हैं और इसके घर के आगे ही खड्डा खोद कर हमने इसको दफन किया है। देखियो दोस्तों, हमने इसको अंदर दफन कर दिया और हमें खेद है हम इसको बचा नहीं पाए, लेकिन क्या करें, हमने कोशिश पूरी की। धन्यवाद। मसाणा गांव चातरिया तालुको खेराड़ू, एक घर में हमारे हाप आई जो हमें पकड़ वाला बोलाया मारे नहीं, भाई आई पकड़ी दीदू बरोबर। दोस्तों नाग नागिन दो थे और नाग ने नागिन को मार डाला, आखा निकल गया था, हमने पकड़ा नाग को तो बाहर निकले और यहाँ ये घर के पास इनके सामने दफन कर दिया और इसको हम जंगल में सही सलामत जगह पर कुदरती वातावरण के अंदर छोड़ देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो अभी हमें चाचरिया से नागिन को मौत के घाट उतारने वाला नाग को जिंदा पकड़ा और नागिन को वहीं पे दफन कर दी और इसको हम जंगल में छोड़ रहे हैं। देखिए हमारा लाइव वीडियो। दोस्तों अभी अभी आपने देखा हमने रात के लगभग 8 से 9 के टाइम में महाकाय कोबरा सांप जो नागिन को मारने वाला था उसको जंगल में छोड़ दिया जिंदा और की जान बचाई। आपको हमारा काम अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद, जय भारत। आओ जो एक घर आओ जो माँ बनाना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। वंदे मातरम, जय भारत।